नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। भीमापार क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी आकांक्षा सिंह को बास्केटबॉल संघ भारत द्वारा 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिससे माँ व पिता में खुशी व्याप्त है। जानकारी के अनुसार जगदीशपुर निवासी आकांक्षा सिंह पुत्री ब्रिजेश कुमार सिंह टीम इंडिया की तरफ से बास्केटबॉल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रतियोगिता निरस्त हो गई, जिसके बाद बास्केटबॉल संघ ने प्रोत्साहन स्वरूप आकांक्षा सिंह को 25,000 की राशि प्रदान की है। इससे माता शैलजा सिंह एवं पिता ब्रिजेश सिंह तथा क्षेत्र के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले भी आकांक्षा सिंह ने बास्केटबॉल में कई पदक हासिल कर जिले व क्षेत्र का नाम रोशन कर चुकी है। पर्यावरण को साफ रखने के उद्देश्य से गाजीपुर जिला उपभोक्ता आयोग के परिसर में मंगलवार को पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता के सदस्य द्वय रणविजय मिश्रा और माधुरी श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया। इनके साथ सहारा इंडिया के स्थानीय एडवोकेट जयप्रकाश राय ने भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। आपको बता दें कि जिला उपभोक्ता आयोग परिसर में पौधारोपण के लिए पौधे उप प्रभागीय वन अधिकारी गाजीपुर JPN तिवारी की तरफ से उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर एक आम और एक बेल का पौधा लगाया गया। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले मंगलवार को अभियंता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर एवं दरिद्र नारायण भोज का आयोजन लोक निर्माण विभाग परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। इस मौके पर कई अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया। इसके साथ ही हवन पूजन एवं पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर शिवशंकर राय, उत्तम प्रसाद, राज बिहारी राय, श्रीकांत सिंह यादव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अंबिका दुबे, संजय नारायण शर्मा, चंदन कुमार, बलिराम साहनी, दिवाकर विक्रम सिंह, पारस प्रसाद चौहान आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता इंजीनियर अखिलेश कुमार यादव तथा संचालन इंजीनियर सुरेंद्र प्रताप यादव ने किया। प्रधान संघ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधि मंडल अपने अपने क्षेत्रीय विधायक से मिला। उन्होंने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंप इसके समाधान की गुहार लगाई। ज्ञापन में कहा कि कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान जो लंबित पड़ा है उसे कराया जाए। ग्राम पंचायतों में नाली, खड़ंजा आदि का कार्य नहीं किया जा रहा, जिससे कार्य ठप हो गया है, उसे तत्काल चालू कराया जाए। सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की जाए, तभी विकास कार्य संभव है। प्रतिनिधि मंडल में संजय राय मंटू, अध्यक्ष भयंकर सिंह यादव, नंदलाल विश्वकर्मा, गिरिजा पासवान, सिकंदर बिंद आदि शामिल थे। विद्युत मजदूर पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला मंत्री अरविंद कुशवाहा के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय आदित्य पांडे से मिला। इस दौरान उन्हें कर्मचारियों ने समस्याओं से संबंधित पत्रक सौंपा। पत्रक में मांग की कि पूर्व में युवा शक्ति नामक एक कंपनी जनपद में कंप्यूटर ऑपरेटर का टेंडर लेकर कार्य करा रही थी और उस कंपनी द्वारा आज भी पिछले वर्ष का लगभग 6 महीने का कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं मीटर रीडरों सुपरवाइजरों का भुगतान बकाया है, जिसका तत्काल भुगतान कराया जाए। इसके अलावा वर्तमान कंपनी भारत एंटरप्राइजेस द्वारा कर्मचारियों को मानक के हिसाब से भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाए। चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई तो संगठन आपके कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इस मौके पर विनय तिवारी, सुरेंद्र राजभर, दीपक गुप्ता, शशिकांत मौर्य, गोलू सिंह, विनय सिंह आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।